ग्रोइंग अप मतलब क्या है, बड़ा होना, ठीक है। अब क्या है, हम जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होंगे, उसके बाद क्या होंगे, हम थोड़े से बड़े होंगे, 5 साल के होंगे, 7 साल के होंगे, और थोड़े से बस बड़े होंगे 20 साल के होंगे, और थोड़े से बड़े होंगे कितने होंगे, हम हमारे पापा के एज के होंगे। फिर धीरे से क्या होगा, और कुछ समय के बाद हम क्या होंगे, हमारे दादाजी के एज में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, इसको बोलते हैं बड़ा होना। अब इसमें क्या है, हम अगर बड़े होंगे तो हम अपने हाइट और वेट दोनों के साथ हम क्या है, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। तो इसी बारे में क्या है आज का चैप्टर है, तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ स्मॉल बेबी, मतलब क्या है कि आपने कभी एक छोटा सा बच्चा देखा है। हाउ डज ही और शी लुक लाइक, तो क्या है, वह कैसा दिखाई देता है। यू वर ऑल्सो अ स्मॉल बेबी वेन यू आर बॉर्न, जैसा कि मैंने बताया कि हम जब पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं, छोटे से एकदम बच्चे होते हैं, जिनको सिर्फ गोदी में रखते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिन जो सांस लेती हैं, ठीक है, जो जिंदा है वो क्या है, वो ग्रोथ या ग्रो करते हैं, ठीक है। When we grow, our weight and height changes. अब क्या होता है, जब हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या है, हमारा हाइट जो है वो भी बढ़ता है, वो भी चेंज होता है, और हमारा क्या है, वेट जो है, वजन जो है वो भी चेंज होता है। A baby grows with the time and become a child. अब क्या, एक छोटा सा बेबी जो रहता है वो क्या करता है, समय के साथ बड़ा होता है और क्या बनता है, एक बच्चा, बड़ा बच्चा या चाइल्ड बनता है, ठीक है। अब क्या है, जब हम पैदा होते हैं तब हम बस कुछ महीनों के रहते हैं, पूरे एक साल के बाद हम क्या है, चलना सीखते हैं, फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं, स्कूल जाना सीखते हैं, तब क्या होता है, हम चाइल्ड वाले फेज पर आते हैं। अ चाइल्ड ग्रोज टू बिकम एन अडल्ट, अ मैन और अ वुमन, ठीक है। अब एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो क्या होता है, जब वो अपनी 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर लेता है, वो 18 साल क्या है, 18वां अपना जन्मदिन या 18 साल अपने पार कर लेता है, तब वो क्या कहलाता है, किस एज में आता है, अडल्ट एज में, ठीक है। तब अब क्या है, वो क्या है, औरत भी हो सकती है और वो क्या है, आदमी भी हो सकता है, ठीक है। अ मैन और अ वुमन, अ गर्ल ग्रोज टू बिकम अ वुमन, अ बॉय ग्रोज टू बिकम अ मैन। अगर एक लड़की, ठीक है, बड़ी होकर, अडल्ट होकर, ठीक है, क्या बनती है, एक वुमन या औरत बनती है, और एक बॉय जो है वो बड़ा होकर क्या बनता है, एक मैन बनता है, ठीक है, आदमी बनता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एन अडल्ट बिकम ओल्ड लाइक अवर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। अब क्या है कि टाइम और ज़्यादा स्पेंड होने के साथ, ठीक है, क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, जब वो 45, 60, 65, 70 के एज में आते हैं, तब क्या हो जाते हैं, वो हमारे किस तरीके से दिखते हैं, जैसे हमारे दादा दादी घर में होते हैं, वो उस तरीके से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे दिखाई देने लगते हैं। ओके, Our body needs good food, exercise and rest to grow well. तो हमारा जो शरीर है, क्या है, उसको बड़े होने के लिए या अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्या है, हमको अच्छे खाने, अच्छे से एक्सरसाइज और अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। We should always eat healthy food. हमें क्या है, हमेशा हेल्थी फूड खाने चाहिए, जैसे कि हम एप्पल खा सकते हैं, ठीक है, दूध, उसके बाद क्या है, मिल्क, बटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम खा के क्या है, हेल्थी फूड हमें खाना चाहिए। उसके बाद क्या है, वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट आफ्टर वर्क। अब क्या है, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हम जब बच्चे रहते हैं, तो क्या है, हम कूदते फांदते रहते हैं, तो हमको क्या है, एक रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो हमको क्या है, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। हम ऑफिस जाते हैं, आपके पापा जैसे ऑफिस जाते हैं, आके वो जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको आराम करना भी ज़रूरी है, और उनको क्या है, दूसरे दिन फिर काम में भी तो जाना है, तो इस वजह से क्या है, रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Like human beings, animal and plants also grow. अब जैसे इंसान हैं हम, ठीक है, इंसानों की तरह, ठीक है, animal और plants भी क्या है, वो
ग्रो करते हैं। जैसे हम क्या है, अ पपी ग्रो इनटू अ डॉग, तो क्या एक छोटा सा जब कुत्ते का बच्चा होता है तो उस कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पपी, ठीक है। और इंसान के बच्चे को हम क्या, हमने क्या बोला, बेबी, ठीक। तो इसी तरीके से क्या है, एक पपी जो है वो धीरे धीरे क्या है, ग्रो होकर क्या होता है, बड़ा होकर क्या बनता है, एक डॉग बनता है, ठीक है। अब जैसे एक बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, किटन, ग्रोस टू बिकम अ कैट। अब क्या है, वो धीरे धीरे बड़े होकर क्या बनती है, एक बड़ी सी कैट बनती है, ठीक है। अब देखिए जैसे प्लांट्स में है, ठीक है, तो प्लांट्स में हम क्या करते हैं, पहले बीज उगाते हैं, बीज उगाने के बाद क्या होता है, एक वो बेबी प्लांट होते हैं, ठीक है। बेबी प्लांट होने के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा पेड़ हो जाता है, ठीक। तो उसी तरह के क्या है, अ सीड ग्रो एंड बिकम अ बिग ट्री। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या, हम सीड लेते हैं, हम उसके बीज लेते हैं, हम बीज को लगाते हैं, तो क्या एक छोटा सा पौधा निकलता है, ठीक है। तो उसको बेबी प्लांट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पौधा छोटा सा, ठीक। तो वो छोटा सा पौधा होता है, फिर वो छोटा सा पौधा बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है, एक दिन बड़ा सा पेड़, ठीक है। तो हम जैसे आम का पेड़ देखते हैं, तो आम की सबसे पहले बीज लगाई जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, आम के छोटे से पेड़ आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, छोटा सा पौधा होगा, पौधा बड़ा होकर क्या हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो फल देने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, कि ये सारे जो चेंजेस है, ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत स्लोली वर्क करते हैं, ठीक है। मगर आज ये सोचेंगे कि हमने आज पेड़ जड़ लगाया, सीड लगाई, बीज लगाया और कल हमको बड़ा सा पेड़ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। पहले आप पेड़ लगाओगे, फिर उसको कुछ समय दोगे, टाइम दोगे, टाइम देने के बाद क्या होता है, वो छोटा सा पौधा बनेगा, वो छोटा सा पौधा बड़ा होगा, बड़ा होकर बड़ा सा पेड़ बनेगा। तो उसमें क्या है, बहुत सारा समय लग जाता है, बहुत सारा। तो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे होती हैं।